सनातन धर्मी मानक साधु समारोह भुवनेश्वर ठारे थिबा खंडगिरी और उदयगिरी रे विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला आरंभ हो जाइछि। एहा 9 दिन धरि चालिबो। आज हेउछि षष्ठ दिवस। ए अवसर रे देशर कोण अनुकोण रो विभिन्न राज्य रो सन्यासी माने एठारे आसी पहुंचि होम यज्ञ करबा सहित भक्त मानको आशीर्वाद कामना करथुबार देखिबाको मिलछि। विशेष करी नागा सन्यासी गुजरात रो तलवार बाबा स्टैंडिंग बाबा एभले अनेक बाबा मानको देखिबाको हजार हजार भक्त मानको समागम देखिबाको मिलिथिला। विश्व शांति पाई साधु संतंकर रहिछि भजन कीर्तन तासह महिला सन्यासिनी छंदा ओ देश बाहर मध्य आसिछंती दंपति। खंडगिरी मेलार जो कि शह शह भक्त भक्त मैंने पहुँचती सन्यासी मैंने विश्वर शांति विभिन्न यज्ञ कार्यक्रम होता आम पाखे अच्छा हरिद्वार आसता नागा सन्यासी आम नागा बाबा सहित टे कथा कौन रेसवासियों तर आज जो महाकुंभ खंडगिरी महामेला चली संपर्क। नमस्ते नमस्ते, आपको स्वागत है संगोष्ठी का। आज जो चल रहा है कुंभ मेला, इसी बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? देश भगवान का दिया हुआ है, परमपिता परमेश्वर की आज्ञा से ही हमारा सब कुछ चलता है। हम गुरु की आज्ञा के बगैर नहीं चल सकते, इधर गुरु की आज्ञा लेंगे इसलिए क्योंकि कावर भूमि मतलब कर्म भूमि। हाँ, ये कर्म भूमि इसलिए यहाँ पे सभी का दर्शन मिला है, एक दूसरे को देखने के लिए बहाना है। खंडगिरी मेला कर्म भूमि का ही नाम होता है, इसलिए चारों दिशा से आए साधु सर नजर निकालता है। सभी अपने अपने भजन भाव में लगे हुए हैं। माता बहन जितने भक्तजन है हमारे, उतने को दूर से देखते हुए यही आशीर्वाद देना है हमें। आज में ऐसे जरूरी नहीं है कि वो आज में आएगा पैर छुएगा तो हमारा उनका कल्याण होगा ना, वहाँ से भी अगर है तो उनका भी कल्याण होगा क्योंकि सबका मालिक एक ही है। कौन भी हवा जो हम सुहास ले रहे हैं। आपण शुणुले नागा बाबा ठारु जे कि कई पाद छुईले आशीर्वाद मिले ना, बाबा सदा सर्वदा आशीर्वाद भक्त मान पाखे अच्छी ये बाबा जो हाथ टेक भक्त मान आशीर्वाद करती सदा सर्वदा भक्त मानी से आशीर्वाद रखती से कहते सबका मालिक एक भगवान अच्छे एक। भुवनेश्वर प्रमोद परिडा रिपोर्ट संघर्ष टीवी। भुवनेश्वर प्रमोद परिडा रिपोर्ट संघर्ष टीवी।